हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में। बलेनो के बारे में नए अपडेट्स जो आए हैं सामने और सारी डिटेल्स जो अभी तक हमें पता है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। बलेनो एक ऐसी गाड़ी है जो कि मोस्ट सेलिंग व्हीकल है मारुति की तरफ से, या प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में भी बोल लें तब भी। अपने जितने कॉम्पिटिशन है उनको काफ़ी बुरी तरीके से हर बार कम्पीट करती है हर महीने, और 2019 में इसका लास्ट जो है फेसलिफ्ट आया था। अब बारी आती है नई बलेनो 2022 की, जो कि 3 साल टोटल बाद अब आएगा। फेब्रुअरी या मार्च में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, जिसके साथ आपको बहुत सारे फीचर्स, बेटर इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन सब कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से, तो जो फोटोज़ हमारे सामने में प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ, फ्रंट में नए आपको लाइटिंग सेटअप, प्रॉपर नई ग्रिल और वाइडर स्टैंड के साथ ये गाड़ी अब ऑफर की जाएगी, जिसका मतलब ये है कि रोड पर ये ज़्यादा बड़ी अब और नज़र आने वाली है। लाइट्स के साथ साथ ग्रिल में जैसे कि मैंने बताया चेंज है। आप देख सकते हैं कि जो पहले इसका क्यूट लुक था, जो अभी वाली बलेनो है उसमें क्यूट लुक एक अग्रेसिव क्यूट मिक्स आता था, अब सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव की तरफ फोकस किया गया, थोड़ी स्पोर्टी इस बलेनो को डेफिनेटली बनाया जाने वाला है। फॉग लैंप्स नीचे देख सकते हो, जो फोटोज हमारे पास हैं ये मुझे लगता है टॉप मॉडल नहीं है, एक फीलिंग है, बाकी देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। ग्रिल वगैरह में क्रोम का काम इसमें नहीं दिख रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली टॉप मॉडल में होगा। एक प्रॉपर एक लाइन आपको हुड के पास मिल जाती है जो लाइट के साथ मर्ज करती है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। फ्रंट से ज़्यादा बैक साइड जो है वो डिफरेंट और यूनिक है। बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट तरीके की लाइट सेटअप आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू अलॉय व्हील्स, जो कि 99.9% चांसेस है कि आएंगे ही, वैसे आएंगे ही, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। और साथ में साइड पे भी आपको प्रॉपर व्हील आर्चेस, क्रोम बेल्ट लाइन, ये वो सब कुछ मिलने वाला है। बट ध्यान दें, डायमेंशन वाइज किसी तरीके का भी चेंज नहीं है, बलेनो की डायमेंशंस वही रहने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन जो है उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा और हर किसी को वो पसंद आएगा फॉर श्योर। पहले से बेटर होगी ये पक्की बात है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो जानते ही हैं कि स्पेशियस और कम्फर्ट के मामले में तो मारुति बलेनो बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन जहाँ अपने कॉम्पिटिशन से पीछे रह जाती है वो आ जाती है इसके फीचर्स, जैसे कि Hyundai i20 में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, Altroz में भी काफ़ी हद तक फीचर्स हैं। बलेनो में मेजर फीचर जो एक मिसिंग मुझे पर्सनली लगता है वो है क्रूज कंट्रोल, वो अब नई वाली में आपको डेफिनेटली मिलेगा। कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ 9 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कंपनी सीरियसली ले रही है कॉम्पिटिशन को और फीचर्स देने वाली हैं कस्टमर्स को, ताकि उनके लिए बलेनो लेने के और रीज़न एड ऑन हो जाएं। प्लेटफॉर्म को चेंज किया जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि उसकी 2-3-4 स्टार कुछ तो मिल जाए, रेटिंग काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को, और अगर इसकी सेफ्टी रेटिंग बढ़िया हो गई तो मजाक नहीं कर रहा, सेल्स डबल होने वाली है मारुति की, क्योंकि जो आपको बेहतरीन इंजन, बेहतरीन स्पेस बलेनो में मिलती है और बेहतरीन माइलेज भी, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। अगर हम इसके इंटीरियर के बारे में जो मैं बता रहा था आपको, नई सीट्स होंगी, ऑफ कोर्स एसी वाला डिज़ाइन है, उसका पूरा सेंट्रल कंसोल, डैशबोर्ड सब कुछ कम्प्लीटली चेंज किया जाएगा। इवन जो इसकी MID यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो भी हर किसी को पसंद आने वाले हैं फॉर श्योर। अगर हम कनेक्टेड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जियो फेंसिंग से लेकर आपको ये गाड़ी स्टार्ट करनी है, अपने एप्लीकेशन से ऑफ करनी है, एसी को कंट्रोल करना है, म्यूज़िक कंट्रोल करना है, गाड़ी के डायग्नोस्टिक्स भी अगर हम बात करें, उसके अलावा स्पीड लिमिटर लगाने, तो सब कुछ आप वो कर पाएंगे, क्योंकि आपको टच स्क्रीन में सिम मिलेगा एक, जो इसकी 9 इंच टच स्क्रीन है वो पहले से बेहतर है, सिर्फ साइज़ की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज भी और लुक दिखने में भी, लुक्स वाइज भी, क्योंकि अभी फ्री स्टैंडिंग ऊपर लगने वाली है, और फीचर्स के मामले में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले भी आपको फीचर किया जाएगा इसमें। वॉइस कमांड्स को काफ़ी बेहतर कर दिया जाएगा, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो आपको बलेनो में इस बार डेफिनेटली मिलने वाली है। कंप्लीटली न्यू जनरेशन है, मॉडल भी है कहीं ना कहीं, फेसलिफ्ट और न्यू जनरेशन के बीच में इसको मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये आता है, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें सेम है, क्योंकि मैकेनिकली यानी कि इंजन वाइज भी कोई फ़र्क नहीं किया गया, वही 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड आपको 4 सिलेंडर यूनिट देखने को मिल जाता है, जो कि अपने नॉन हाइब्रिड वर्जन में 83 bhp की पावर जनरेट करता है और हाइब्रिड में 90 hp की, यानी कि 90 horse power। 113 Nm टॉर्क आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है। 5-speed मैनुअल के साथ साथ CVT ऑप्शंस भी बरकरार रहने वाली हैं, और प्राइसिंग चेंज मुझे नहीं लगता करनी चाहिए कंपनी को, ना ही करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। कंपटीशन में इसके ऑफकोर्स आते हैं i20, Altroz, होंडा जैज और पोलो। जैज का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ, वैसे जैज को मैं कंपटीशन अब इतना मानता नहीं हूँ, बिकॉज बहुत ही आउटडेटेड पुरानी गाड़ी हो चुकी है, कब समझ आएगा होंडा को कि नई गाड़ियाँ लेकर आओ। कोई बात नहीं,
अगर हम बात करें इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के थोड़ा सा और, तो जो यूरोपियन मार्केट में भी एसक्रॉस को लॉन्च किया गया है, सुजुकी एसक्रॉस को, ना कि मारुति एसक्रॉस को, उस चीज़ का ध्यान जरूर रख ले। तो उसी तरीके का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया जाने वाला है बलेनो में। लॉन्च की बात करें तो 2 से 3 महीने में, और ब्रेजा का भी साथ में ही ड्यू है, तो देखते हैं पहले किस गाड़ी को लॉन्च किया जाता है। बलेनो से कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है ब्रेजा पहले होगी, बट अब लेटेस्ट रूमर्स और लेटेस्ट न्यूज़ की माने तो चांसेस लग रहे हैं कि बलेनो भी पहले आ सकती है। कोई भी आ जाए हमारे लिए तो कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है ही, अच्छे प्राइस में आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं फॉर श्योर। छोटी छोटी चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी फीचर्स में, बाकी डीकर स्टेयरिंग स्विफ्ट की तरफ से लिया जाएगा, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तरह के सब कुछ मिलने वाला है। तो ये आपको काफ़ी ज़रूर चीज़ें पसंद आने वाली हैं। तो ये था मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द मारुति सुजुकी बलेनो, क्या क्या नया आने वाला है, क्या क्या रहने वाला है पहले जैसे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर भी कुछ रह जाएगा तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।